प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ने भी नीमच जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मन से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में ज्यादा है और उसी के मुताबिक उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा तो उस दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ गरीब है। मध्य प्रदेश में हम सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आपको बता दें कि नीमच जिले के जावेद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के समर्थन में आम जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था। मन से राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने वो वीडियो देखा है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि केंद्र के मंत्री अरुण प्रकाश सकलेचा के बीच रेस चल रही है। ये दौड़ गरीब जनता और किसान का पैसा डकारने की है। किस प्रकार से चोरी कर पैसों को हजम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश और देश जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि जातिगत जनगणना के आधार पर बजट सहित अन्य प्रकार की हिस्सेदारी तय की जा सके। राहुल गांधी दावा करते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब संसद में जातिगत जनगणना की बात कही गई तो उन्होंने उसके बाद मन से भाषण देना शुरू कर दिया कि यहां पर कोई जाति नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी की वो बात, जिस तरह से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को ललकारा है। 18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है ये पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आपने, ये इनका मंत्री है, इनके बेटे का वीडियो देखा, तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आपके सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। आपका पैसा जाता है, सबके सामने एक के बाद एक, एक के बाद एक मंत्री, उनके परिवार, उनके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। नीमच जिला मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में शामिल है। यहां पर अभी 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस विधानसभा सीट छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जावद में शिवराज सरकार के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की रैलियां कितना रंग दिखा पाती हैं।